माय व्यूअर्स, आज हम आए हुए हैं सदर अब्दुल्ला अरून रोड। ये रोड आता है अब्दुल्ला अरून रोड, इसका नाम है। ये सदर मेंटर होते ही इसके ऊपर है जबीस होटल, ये हम आपको दिखाएंगे। आज आप जबीस होटल, ये पाकिस्तान का काफ़ी पुराना होटल है और अच्छा होटल है, तो ये हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। इसके अंदर भी चीज़ें क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं है वो भी आप देखेंगे। हमारे साथ रहें, हमारी वीडियो को पहले से आखिर तक ज़रूर देखा करें। ये देखें, ये इसकी बिल्डिंग है, पाकिस्तान का मशहूर तरीन होटल रहा अपने ज़माने में। आए आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह खैर। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। अगर हम सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे। आ जाएं, मेरी एंकर जो है ना मेरे साथ है, इसको आगे भेजता हूँ ताकि आगे जाए, आपको जाती हुई नज़र आए। ये नबीला खान ये होटल के अंदर जा रही है, अभी यहाँ से पूछेंगे भी हम लोगों से। इसके ज़बरदस्त जनाब पौधे शौधे रखे हुए हैं। नबीला से तो मेरी रफ्तार तेज़ लग रही है। नबीला, आपकी रफ्तार सुस्त क्यों? ये देखें जी, अभी ताज़ा गमले लग रहे हैं इधर। ये ऊपर से देखें आप इसको, ये देखिए, ये ऊपर से देख लें। ये इसके कुशादा लाबी है बहुत दूर तक। बहुत शुक्रिया हमारे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा मैं आपको नई नई जगह दिखाती हूँ। आज मैं होटल जबरीस होटल के अंदर मौजूद हूँ और आपको इसके अंदर के रूम भी दिखाऊंगी। बहुत कुशादा रूम है और इस यहाँ पे आए मेहमान भी और बहुत सारे लेके आए और आएँ बहुत रेस्ट करें। यह जगह आप देख सकते हैं, ये खाने पीने की जगह है, टेबलें लगी हुई हैं, रेस्टोरेंट। और आए मेरे चैनल को शुरू से लेके आखिर तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं, हर चीज़ सामने दिखाई गई है। पीछे किचन का चूल्हा भी लगा हुआ है, पकाने के भी इंतज़ाम देखें, सफाई सुथराई भी है इसके अंदर और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। थैंक यू। तबेंग आउट है और इसके अंदर आप तकरीबन कोई तकरीबात भी करवा सकते हैं, शादियाँ वगैरह भी करवा सकते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करवा सकते हैं। तकरीबन 400 लोगों की जगह यहाँ मौजूद है। तो आपको आगे भी दिखा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आइए आगे चल के देखते हैं। जी वस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है। अच्छा, ये होटल कब से है, कितना पुराना होटल है ये? मैडम 1965 इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, उस वक्त से ये स्टिल अब तक ये काम कर रहा है। इसके अंदर फैसिलिटी क्या है? इसमें सबसे पहले 60 रूम्स हैं इसके अंदर। इसकी ये 3-स्टार होटल है। इसकी फैसिलिटीज़ है, 24 आवर्स इसकी सर्विस है। इसमें हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है और 24 आवर सर्विस है। बाकी रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग है इसके साथ, जो चीज़ कस्टमर को फैसिलिटीज़ हो, चाहे खाना पीना, वो उसको प्रोवाइड करते हैं इसमें। अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई आए तो आप उसको क्या मतलब कितने बेनिफिट देंगे? जी मेरे को तो फिर मैनेजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, फिर आपको जो डिस्काउंट होता है फिर वो कर लेंगे। जो ज़ाहिर है आप अगर उसके थ्रू आएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा डिस्काउंट हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर, लिफ्ट से ऊपर लेके हम लोगों को लेके जा रहे हैं। आगे हम आपको रूम भी दिखा रहे हैं और उसके अंदर जो सहूलतें मौजूद हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं किधर हूँ? आप सामने शीशे में। आप भी और मैं भी हूँ जी। अब बाय, थैंक यू जी। इसके हम ऊपर आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और ये इसकी जो लॉबी यहाँ बनी हुई है, सिटिंग अरेंजमेंट बनी हुई है, ये बिल्कुल नबीला के कपड़ों की तरह बनी हुई है। आज माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये देखें, यहाँ से आप बाहर, अगर कमरे में आप बोर हो रहे हैं तो यहाँ बाहर आके बैठ सकते हैं। और ये बाहर का मंज़र और ये यहाँ इसकी सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत शुक्रिया हमारे में आ गए हैं जी। ये इसकी सिटिंग अरेंजमेंट है माशाल्लाह। और ये 2 बेड का कमरा है, ये देखें कुशादा कमरे हैं। नबीला कैसे कमरे हैं इसके? माशाल्लाह बहुत कुशादा और खुले कमरे हैं। अच्छा, कैसा लगा आपको जो होटल? काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। ये देखें जी इसकी अलमारी, इसको बोलते हैं कबर्ड। और ये बाथरूम देखें जी, माशाल्लाह बाथरूम भी फुली इक्विप्ड अच्छा है। ये देखिए माशाल्लाह साफ़ सुथरा। ये देखें, हाँ जी नबीला, आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? मैं पब्लिक को कहना चाहूँगी, आप लोग आएँ यहाँ पे, रिहाइश वगैरह भी करें और बहुत सारी सहूलतें, एयर कंडीशन भी है, वो पीछे आपके एसी चल रहा है, कबर्ड भी है, एसी भी है, हर चीज़ सहूलत जहाँ मौजूद है, आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ। चलें जी, फिर आगे चलें, आगे चलें, दूसरा रूम देखते हैं। चलें, थैंक यू। आगे अभी दूसरा रूम दिखा रही हैं आपको नबीला। चलें जी, किधर जाना हमने? इस तरफ। अच्छा, चलें चलें चलें, हम आ रहे हैं। ये देखें जी, इस तरह इसके भी, इस तरह ये होटल भी, ये रूम बेडरूम इस तरह। अच्छा जी, आपका कहीं लेटने को दिल तो नहीं कर रहा? अच्छा, आपने लेटना शुरू कर दिया सर, मत लेटो भाई, काम और बहुत है। अच्छा
अच्छा जी, अच्छा जी, ये देखें जी बाथरूम देख लें, बाथरूम देख लेंगे। दो दो अनाउंसर हैं इस लगे हुए, दो दो अनाउंसर आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहें और ताकि हम आपको मज़े मज़े की और चीज़ें दिखाते रहें। हमारा बेसिकली चैनल ही होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए। जा रही हो? अच्छा, पूरे होटल की चेकिंग कर रही हो आज? क्या चक्कर है? कभी कभी करनी पड़ती है चेकिंग। अच्छा, चलिए फिर बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। ये आ गए जी, हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, आपको बाहर से दिखाते हैं, ये देखें। अब हम आपको जहाँ से बाहर दिखाएंगे, अब्दुल्ला रून रोड ये पे हम खड़े हैं। ये बहुत दूर उधर से आ रहा है, फुहारा चौक से। ये देखें, जैनब मार्केट फुहारा चौक से आप निकलते हुए आते हैं तो ये इस रोड पे आते हैं, इसको बोलते हैं अब्दुल्ला रून रोड। और यहाँ पे आते हैं तो ये जबीस होटल, हम इस पे खड़े हैं। और ये सीधा आगे निकल जाता है कोऑपरेटिव मार्केट, और आगे जनाब इसे बोलेंगे हम मोबाइल मार्केट। ये सामने नज़र आ रहा है कोऑपरेटिव मार्केट। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहे। माशाल्लाह, इसके अंदर मुजाइक का जो काम है वो अभी तक अपना मुंह बोलता सबूत है। और ये इसका देखें, ये कॉरिडोर है, कितना खुला कॉरिडोर है इसका, आप अंदाज़ा करें। इसके अंदर पूरी बारात अपने खुली आराम से जाए। आजकल के होटलों की नस्बत इसके बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें, इसकी सीढ़ियाँ भी बहुत प्यारी हैं, ये मोज़ाइक वाली सीढ़ियाँ हैं। ये दें नबीला, जरा के बैठो, कितनी प्यारी सीढ़ियाँ हैं। आप उधर बैठो, बैठ के बताओ कैसी सीढ़ियाँ हैं। ये लें, ये लें, बैठ के बताएं आपको सीढ़ियों पर बैठ के कैसा लगा। माशाल्लाह से बहुत कुशादा सीढ़ी हैं, चलने फिरने के लायक भी हैं। ऊपर से अगर कोई बुज़ुर्ग वगैरह भी आते हैं तो वो चल के आ जा सकते हैं, थकेंगे नहीं बिल्कुल भी। इन्होंने बहुत अच्छी सहूलत दी हुई है सीढ़ियों की। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं दिखा रही हूँ, चल के। अच्छा जी, तो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बहुत कुशादा सीढ़ियाँ, खुली सीढ़ियाँ। अच्छा। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर कोई बुज़ुर्ग वगैरह भी यहाँ से चल के आए तो आ जा सकते हैं। अच्छा। जी, अच्छा, कोई तंग दस्ती नहीं है। अब हम जो है ना जी, नीचे से हमने सोचा कि लिफ्ट ना जाएँ, हम ये सर आपको दिखाते जाएँ और सीढ़ियों से जाएँ। एंकर आगे जा रही हैं, हम मैं इसके नक्शे कदम पर आ रहा हूँ। ये हम जा रहे हैं सीधा नीचे, सीधा नीचे, सीधा नीचे। ये देखें नीचे, सीधा वो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, सीधा नीचे जा रहे हैं। और ये सीढ़ियाँ इसकी बड़ी पतली पतली हैं और ये अच्छी हैं, इससे आदमी आ जा सकता है। ज़बरदस्त हैं। नबीला खान जी, आप पहुंच गई हो? किधर पहुंची हो? कलकत्ता? ओके, आपको पता, जैसा कि मैं एक होटलियर भी हूँ, माशाल्लाह ये अच्छा होटल है। और हम आए इस वक्त हैं कि हम इनके मैनेजर साहब जो है ना, वो जीएम साहब हमें मिले नहीं हैं, तो नूर साहब ने बता दिया। ये एक बड़ा होटल है, इसमें माशाल्लाह तकरीबन राउंड 100 के करीब रूम है, बड़े बड़े कुशादा कमरे हैं। हमने आपको दो रूम दिखा सके, हम वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहे ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। आप जिससे भी हमसे रब्ता करना है, इनका नंबर हम दे देंगे जबीस होटल का, उस पर रब्ता करें और इंशाल्लाह और हमारा कहेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से कह दिया, नूर साहब से बात कर लूँगा। क्यों जी, ये बात ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है सर, मुझे अख्तियार है। जी बिल्कुल, आपको अख्तियार है, आप हमारे बॉस हैं, आप इससे पहले भी हमें डिलीवरी देते रहे। हाँ नहीं, चले, बहुत शुक्रिया आपका, नहीं आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हाथों में हाथ दें अरशद साहब को, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे हमारे दोस्त से, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। हम आपने तमाम व्यूअर से गुजारिश करेंगे कि इसके जीएम होते थे अरशद साहब, उनके लिए दुआएं मगफरत कर लें प्लीज़, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्लिम। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम? तकरीबन एक साल के करीब हो गया। एक साल के करीब। जी जो मतलब क्या क्या सहूलियात है? क्या चीज? क्या क्या सहूलियात है इस होटल के? बस होटल की तरफ से जो भी सहूलियात है सबको, वो हमको भी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये स्कूल टीचर भी हैं और सिंगिंग भी हैं, चलें आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं ज़ारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैंने सुना है कि आपको सिंगिंग का बहुत शौक है, और कहाँ तक पहुँची हैं आप? सिंगर बनने का शौक नहीं है, सपना है, सपना जो है। पूरा करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। तो 3 साल से लगी हुई हूँ मैं इसके पीछे, बस अल्लाह ताला कामयाब कर दे, ये दुआ है। अच्छा, कोई आप अंतरा वगैरह सुनाएगी हमें? सॉन्ग सॉन्ग लग जा गले के फिर हसी रात लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो शायद
फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। पाए मुझे ही पाए साए मेरे तुझ में ही समाए, सैयारा मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा सीता।